राजस्थान के एक छोटे से शहर बूंदी से हूँ और 25 पेंटिंग को मैंने यहाँ डिस्प्ले किया है, जिसमें कलर्स की रिदम है, फॉर्म्स की रिदम है और उसका एक जो है एनर्जी उस रिदम के साथ जो है सभी कैनवासेस पे वो मैंने एक्सप्रेस करने का कोशिश किया है। और जब कोई दर्शक देखे पेंटिंग को तो उसके साथ इन्वॉल्व हो जाए, ये मेरा जो है इच्छा रहता है कि वो जब देखते देखते उसके साथ इन्वॉल्व हो, तो कलर्स की कुछ रिदम जो है उसके साथ वो इन्वॉल्व हो सकता है, फॉर्म के साथ इन्वॉल्व हो सकता है, उसके कंपोजिशन के साथ इन्वॉल्व हो सकता है, वो उसके साथ अटैच हो, ये मेरा उसके साथ प्रयास रहता है। अभी अभी जो मैंने देखा है इतने अच्छे पेंटिंग्स जो है, इन्होंने मुझे समझाया भी उनके माइंड में क्या था और फॉर्म्स और स्पेसेस उनको पकड़ के जो रिदम्स क्रिएट किए हैं, हर अलग अलग पेंटिंग में अलग रिदम, जो जैसे मैंने देखा तो मुझे एक रिदम महसूस हुआ है, रूप जी देखेंगे उनको कुछ अलग रिदम महसूस है कलर्स में, फॉर्म्स में, तो वो मुझे लगता है कि बहुत उसमें एक बात है जो जितना आप देखोगे आपको अलग अलग नज़र आएगा। इट्स रियली वंडरफुल, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एक्चुअली मैं बोलना चाहूँगी कि ये जिस तरह से लगते हैं बड़े सिंपल से, सोबर से, जब मैंने इनकी पेंटिंग्स आके देखी, जितने कलर्स का भंडार है इनको देख के लगता नहीं कि इतने कलरफुल होंगे, इतने कलर्स का भंडार होगा। एक कैनवस पे जब एक पेंटर अपनी कला दिखाता है तो वो कहीं ना कहीं अपने जज्बात दिखाता है, कहीं ना कहीं अपनी अपनी सोच बयां करता है, और आई थिंक आपकी सोच और आपकी कला बहुत ही रंगीन है। कुछ याद आया मुझे, जहाँ पर कहते हैं कि ज़िंदगी तुझसे कितनी ख्वाहिशें हैं, ज़िंदगी तुझसे कितनी ख्वाहिशें हैं, अगर रंग भर दो उतनी ख्वाहिशें हैं। तो आपकी बहुत बहुत मुबारक, आई होप यू ऑल द वेरी, आई गिव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इट। बधाई देता हूँ कि इनका ये जो काम है वो बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का काम है, मतलब कोई ये कह नहीं सकता कि ये ही इज़ फ्रॉम बूंदी। अगर इनको कहा जाए कि अभी बॉस्टन से आए हैं तो लोग मान लेंगे इनकी पेंटिंग देख करके, इतना मॉडर्न, इतना एब्स्ट्रैक्ट, और जो जो कलर का इस्तेमाल है वो बहुत ही एग्जॉटिक, बहुत ही नए कलर है। और मुझे बहुत खुशी है कि राजस्थान हमारे राजस्थान से है, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये एग्जीबिशन सक्सेसफुल हो और सारी पेंटिंगें जो है वो जल्दी से जल्दी गिर जाए। परमेश पाल, मैं बनारस पेंटिंग काफ़ी कर रहा हूँ, अभी भी चल रहा है काम, मैंने काफ़ी एग्जीबिशन भी किया था, फिर भी और भी करना है। तो अभी जो यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है जहांगीर में, जो नया कुछ देखने के लिए कुछ मिल गया, मतलब जो कलर लेके जो खेल है और डॉट है, इसमें बहुत दिन बाद देख पा रहा हूँ यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जो इसमें कुछ मीनिंग है। राजस्थान से ऐसा काम मतलब बहुत ही कम देखा है, राजस्थान से आने का बाद ये इतना सारे काम किया, और मतलब जो टेक्निक है बहुत इंटरेस्टिंग, कलर यूज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग किया एक्रिलिक ऑन कैनवास, और फ्यूचर में और भी आगे काम कर सकते हैं ऐसा आशा है, और आगे बढ़े और भी ऊपर चढ़ना है। एक्चुअली सीढ़ियाँ एक एक करके चढ़ना है, सब आर्टिस्ट के लिए एक ही रास्ता है, और मैं अभी भी सीख रहा हूँ, और आर्टिस्ट को सब कुछ सीखना है और भी ऊपर चढ़ना है। I am also a contemporary artist based in Mumbai. My medium is mostly acrylics, mixed media and oils, and I paint mostly landscapes. I'm a nature painter, and coming over here it is beautiful, the paintings very vibrant, and speaks of a lot of positivity, because in today's time after the pandemic I think these colors are going to add to the positive feelings and the feeling of
you know, home. So beautiful paintings, and for a maiden, you know, art show. प्रतिहार जी का काम मैंने पहले तो नहीं देखा था, हालांकि मेरी उनसे मुलाकात है पहले की। उनका काम बेहद खूबसूरत लगा मुझे देख के, जो उन्होंने रंग चुने हैं, जो साइज़ किया है, जैसे डिस्प्ले किया है, वो किसी भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट के जैसा है। और मेरी बहुत बहुत उनको शुभकामनाएँ और बधाई। हर कलाकार की अपनी अपनी थीम होती है, अपना स्टाइल होता है। इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट को चुना है और इनका काम कलरफुल है, काफ़ी अट्रैक्ट करता है, मुझे पसंद आया काफ़ी। इनका पहला शो है मुंबई में, मुंबई की आर्ट गैलरी जहांगीर में। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो मैं इनके लिए शुभकामनाएं देती हूं कि आगे भी ये सफल रहें। After a very long time, I'm out of my house and I've come to Jahangir Art Gallery. First, due to COVID, one did not go out. Now the world has opened up. So, बहुत ही अच्छा लग रहा है. At least, I feel that normal life is starting again. And artists दूर से आके मुंबई में exhibition कर रहे हैं. So, it's a very positive sign for me to see this. Yeah, absolutely. My best wishes to the artists, because they need all the encouragement. People should come and visit them. So, और मुंबई का नहीं है, बाहर से आए हैं कुछ दिन मुंबई के लिए एग्जीबिशन के लिए। सो सबको आके उनको इनक्रेज करना चाहिए और आके एग्जीबिशन देखना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू हिम। एक्सपीरियंस वॉज वेरी ग्रेट। राम इज़ माई वेरी ऑल फ्रेंड एंड बहुत लंबे समय से जानता हूँ राम को। करीब मैं इसको 10-15 सालों से देख रहा हूँ काम करते हुए। इसके काम में बहुत इम्प्रूवमेंट है और इसके कलर्स के साथ ये जो प्ले करता है, स्पेस एंड कलर्स, और जो फॉर्म अपने आप से इवॉल्व होती हैं, क्रिएट होती हैं, दैट्स अमेजिंग। और ब्राइट कलर्स का जो यूज़ है, वो आपको आर्टिस्ट से मिलकर लगता नहीं है कभी कि आर्टिस्ट इतना ब्राइट होगा, लेकिन अंदर से वो कितना पॉजिटिविटी है उसके अंदर, वो उनकी पेंटिंग को देखने से नज़र आता है। उनकी फिजिक, उनकी पर्सनलिटी को भले ही नहीं दिखाती हो, लेकिन पेंटिंग उनको पूरा एकदम से खोल के रख देती है। वेरी ग्रेट आर्टिस्ट।